नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक दो को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक दो भी इसमें भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो इससे रिलेटेड और डाला था, यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को अवश्य ही देख लेना, ताकि इसको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, भाज्य इक्वल क्या दिया है, 6x² माइनस 5x प्लस 1 दिया है। और इसको एक बात और विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना होता है, पहले से यहाँ पर आरोही क्रम में जमा हुआ है तो इसको आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में और इसमें भाजक दिया है 2x माइनस 1, तो इन्हीं की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखो, भाज्य कहाँ पर लिखते हैं ये तो आप लोग जानते हो, 6x² माइनस 5x प्लस ए। ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ। और ये 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसका मेथड क्या है, इसका बनाने का विधि क्या है, आप लोगों को पता है। ये भाज्य के प्रथम पद क्या है, यहाँ पर अब कार्य कर लेते हैं, 6x² है और भाजक का प्रथम पद क्या है, 2x है। इसमें भाग दिया जाता है तो एक सा को काट देगा और 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर क्या बचा, 3x बचा। ठीक है, इसी 3x को कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर भागफल में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया तो इसका भी गुणा इस भाजक के साथ किया जाता है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 1 सा, और 1 सा का गुणा क्या होता है, 1x² होता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है और ये तो प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा जानते हो, माइनस होता है और 3 एकम 3x। इतना क्लियर है, गुणा बस किया हूँ और यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने में चिन्ह में जानते हो परिवर्तन होता है। ये तो कट गया, 6x² माइनस 6x², यहाँ पर देखिए माइनस 5x है और प्लस 3x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 1, एकम उतार देते हैं। अब यहाँ पर पुनः देखिए आप लोग, भाज्य का प्रथम पद हमें क्या मिल गया, 2x मिल गया। ठीक है, ये और भाजक का प्रथम पद क्या है, 2x है, डिवाइड किया जाता है और इसको कटा दो तो क्या बचेगा, माइनस 1। और इसी माइनस 1 को कहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर भागफल में। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करो, गुणा करो इसके साथ, माइनस 1 का गुणा करो तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। गुणा करने पर ये माइनस 2x माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने में आप लोग जानते हो चिन्ह में परिवर्तन होता है, ये कटा के क्या ले आएगा, 0 ले आएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का हमें भागफल क्या मिला, 3x माइनस 1 और शेषफल क्या मिला, 0। अतः आप लोग लिख लेना, अतः भागफल इक्वल हमें मिला 3x माइनस 1 और शेष फल हमें मिला 0। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, और मेरे चैनल में यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।